ये जेब्रा क्रॉसिंग जानते हो आप लोग ना? सॉरी, सॉरी की बात नहीं है दोस्त, कहीं भी मैं अक्सर देख रहा हूँ इस रोड पे आप लोग ये गलती कर रहे हो। जो कट पॉइंट होते हैं ना, जो गैपिंग पॉइंट होते हैं, जहाँ गैप होता है डिवाइडर से, वहाँ जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो तो उसके पहले ही आपको दिख जाती है, तो आपको स्लो कर लेना चाहिए कि लोग गुजरते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है उस टाइम पे? रुकना है। इसको आप जानते हो ना, रेडी पड़े चलते हो ना आप लोग, तो रुकना चाहिए। मैं इस रोड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देख रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि जिसको क्रॉस करना है वो, ठीक है, मैं अब ट्रैफिक ज्यादा नहीं रोकना चाहता हूँ, तो आप समझ गए होंगे। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि अभी आपने देखा, यही बस नहीं, पूरे बड़े शहरों की मैं बात बताऊं आपको, जितने भी बड़े शहर हैं हमारे, उनमें जेब्रा क्रॉसिंग, अगर सिंगल जेब्रा क्रॉसिंग है ब्लिंकिंग लाइट वाली, तो उस जेब्रा क्रॉसिंग में, सिंगल जेब्रा क्रॉसिंग में कहीं भी लोग रुकते नहीं है, खास करके फोर व्हीलर वाले तो बिल्कुल नहीं, लगता है चढ़ा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करें, ताकि जो एक कुछ कोई बच्चा, बुजुर्ग या महिला, अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उनको असुविधा ना हो, और वो तरीके से अच्छे से रोड क्रॉस करें। कभी कभी क्या होता है कि घबराते हैं वो, कोई दौड़ के रोड क्रॉस करने लगता है, तो कोई ऐसे ऐसे मूवमेंट रहता है, मतलब कन्फ्यूज़न में रहता है कि जाऊँ कि रुक जाऊँ, जाऊँ कि रुक जाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए, ऐसे कहीं भी कट पॉइंट हो, ऐसा कभी भी अगर जेब्रा क्रॉसिंग हो और कोई क्रॉस करना चाहता हो, क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि अभी देखा आपने एक लड़के, ये जो एक लड़का था वो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही आ रहा था। जितने लोगों को हम बता चुके हैं ट्रैफिक रूल्स, सभी जानते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही पैदल को रोड क्रॉस करना चाहिए, बट वो बच्चा क्रॉस नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि हम रुक नहीं रहे थे। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग कहीं भी दिखे आपको, प्लीज़, ये इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई इंडियंस, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जेब्रा क्रॉसिंग इस टाइप की, चाहे जितना भीड़ हो, चाहे जितनी जल्दबाजी हो, लेकिन अगर कोई पैदल रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी दें। जय हिंद।